हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग थोड़ा छोटे बालों में, जितने कि मेरे बाल यहाँ पे मिरर में भी आपको दिख रहे हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बहुत शॉर्ट है शोल्डर लेंथ तक, तो इतने बालों में आपको तीन बहुत ही खूबसूरत से हेयर स्टाइल बताऊंगी। अगर आपके बाल भी छोटे हैं तो आप ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकेंड चैनल है प्रीत तिवारी टू, जिससे सिलाई से रिलेटेड और वीडियोज डालते रहती हूँ। सिलाई में जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कपड़ों में, जैसे कि कंधा गिरना, बहुत डीप नेक हो जाता है पतले लोगों में, मोटे लोगों में किस तरीके से आपको नाप लेना होता है, सब कुछ उस पर शेयर करते रहते हैं। और डिजाइनर ब्लाउजेज एंड ड्रेसेज की वीडियोज भी डालते रहती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सिलाई सीखना चाहते हो या फिर आपको देख के खुद से बनाना है, तो उस चैनल पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ गो टू माई सेकेंड चैनल प्रीत तिवारी टू, शॉर्ट्स बाय प्रीत तिवारी न्यू चैनल है, जिससे मैं अपनी आवाज़ में मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, तो वहाँ पे भी जरूर जाएगा। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है। तो ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा, अगर आपके बाल भी इस तरीके से शॉर्ट है, कैसे भी हेयर हो, बहुत ज़्यादा लेयर में कटे हैं, फ्लिक्स बहुत शॉर्ट हैं, तो भी ये हेयर स्टाइल ईजिली आप बना लोगे। तो आपको क्या करना है, अपने एकदम यहाँ से स्टार्ट करना है, थ्री लेयर्स में यहाँ पे डिवाइड कर दो इसको, एंड सिंपल चोटी जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे लेयर्स को लेना है। उसके बाद थोड़े थोड़े से लेयर्स लेके ऐड करते जाना है। इसको आपको क्राउन एरिया तक गूंथना है। कल जो मैंने हेयर स्टाइल की वीडियो बताई थी, ऑयली बालों पे बताई थी, तेल लगे हुए थे मेरे बालों पे और मैंने वॉश नहीं कर पाया था, तो उस वैसे ही हेयर पे मैंने वो वीडियोस बना दिए थे। बट वो हेयर स्टाइल आप ऑयली वालों पे तो बना ही सकते हो, बट आपने अगर हेयर वॉश किया हुआ है उस पर बना रहे हो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगेगा। तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से हेयर स्टाइल थे। अगर आप खुद से बना रहे हो, अगर आपको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत होता है, तो आप थोड़ा सा आराम से कीजिएगा, जल्दीबाजी ना करें हेयर स्टाइल को बनाने में। आपको ये क्राउन एरिया तक इसी तरीके से गूंथते हुए लेके जाना है। आप चाहो तो क्राउन एरिया तक गुथो और चाहो तो आप पूरा नीचे तक भी लेके जा सकते हो, बट अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं तो मैं बोलूंगी कि आप क्राउन एरिया तक ही गुथ के छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपली छोटे थोड़े से लेयर लेके और गुथते जाना है। इतना गूंथने के बाद से आपको एक पतला वाला रबर बैंड चाहिए होगा। इस तरीके का रबर बैंड लेना है। और लगा के छोड़ देना है। अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं, बच्चियों के बाल अगर लंबे होते हैं, तो उनपे भी आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। कुछ लुक इस तरीके का आएगा। इसके साथ आप बड़ी बड़ी इयरिंग्स, अगर आप कॉलेज गर्ल्स हो, ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो, तो बड़ी बड़ी इयरिंग्स वगैरह डाल सकते हो। ऑफिस में तो ये सब नहीं चलता है, बट आप पार्टी वगैरह में अगर बना रहे हो तो आप इयरिंग्स जरूर डालिएगा। ऑफिस के लिए तो आप छोटी छोटी इयरिंग्स ही डालिएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगता है और अट्रैक्टिव लगता है। तो बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। फ्रंट से आपका ऐसा लुक दिखेगा, बट इसको थोड़ा सा आगे की तरफ पुल आउट करेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा और स्टाइलिश चाहिए, तो इसको इस तरीके से करके और यहाँ पे आप एक बॉबी क्लिप से इसको अंदर की तरफ धकेलते हुए, जैसे यहाँ पे मैंने इस तरीके से पकड़ा दिखे ऐसे हैं, इसको आगे की तरफ पुल आउट करेंगे, बॉबी क्लिप्स को ओपन करेंगे और इस तरीके से लेके अपने बालों के साथ इसको लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो बॉबी क्लिप है वो दिखेगा भी नहीं और आपका जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ा सा और अलग दिखने लग जाएगा। अब सेकंड बॉबी क्लिप लेंगे और उसी वाले क्लिप के ऊपर
इस तरीके से लगा देंगे जिससे कि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। इसके बावजूद भी अगर आपका फ्लैट है नीचे चला जा रहा है तो आप क्लचर लेके सिंपली इसी हेयर स्टाइल के साथ यहाँ पे लगा दोगे। और बैक से तो आपने देखा इस तरीके का लुक है और फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा ये, जो कि काफी अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा आपको। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया कंप्लीट। तो आप ये हैक ट्राई कर सकते हो अगर आपने फ्रेंच चोटी बनाई है इस तरीके से आगे की तरफ पुल आउट करते हुए और क्लचर से इसको पिन अप कर दोगे तो काफी अच्छा और स्टाइलिश लगेगा ये। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए आपको सिंपली अपने बालों को अच्छे से कॉम करना है और एक रबड़ बैंड लेना है। रबड़ बैंड आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, चौड़ा पतला जैसा आपको अच्छा लगे वैसे। मैं यहाँ पे ब्लैक रबड़ बैंड यूज कर रही हूँ। सारे बालों को अच्छे से काम करेंगे एंड एक पोनी बना लेंगे। रबड़ बैंड से बैंड को अच्छे से लगाएंगे, थोड़ा सा इसको लूज करेंगे सेंटर से इसमें होल्ड करके। ओके, पोनी के साथ ही रबड़ बैंड को अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से खींच के टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फिर रबर बैंड को हाइड कर देंगे ऐसे। यहाँ से अगर आपको फ्लैट लुक लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा हेयर को खींच लेंगे, क्योंकि हम लोग अक्सर इस तरीके से बालों को अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा फ्लैट लुक आ जाता है। तो उसके लिए आप इस तरीके से थोड़ा सा खींच लीजिएगा ताकि फ्लैट लुक ना लगे। और ये पोनी का न्यू स्टाइल हो गया, ये भी काफी अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा एंड लॉन्ग शॉर्ट कैसे भी हेयर है आपके आप उस पर ट्राई कर सकते हो। फिर भी अगर आपका जो हेयर है वो अच्छे से रबड़ बैंड जो है वो हाइड नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरीके से बालों को फैलाएंगे। देन यहाँ पे एक यू क्लिप या बॉबी क्लिप लेके उसको सिंपली नीचे की तरफ इस तरीके से लगा देंगे तो आपका जो रबड़ बैंड है वो हाइड हो जाएगा और वैसे भी हाइड हो जाएगा अगर आप क्लिप नहीं भी लगाते हो तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया, इजी है एंड बिल्कुल न्यू है, अभी तक ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। इसी में अगर आपको थर्ड हेयर स्टाइल चाहिए तो आप इसको हेयर को थोड़ा सा इस तरीके से पकड़ोगे और नीचे में एक रबर बैंड लगा देंगे। रबर बैंड लगाने के बाद इसको थोड़ा सा लूज करेंगे इस तरीके से, लूज करके इस तरीके से इसको होल्ड करेंगे। इस तरीके से क्लचर को यहाँ पे ऐड कर दीजिए जहां पे आपने रबड़ बैंड लगाया है, ऊपर की तरफ फोल्ड कीजिए ऐसे लाके सिंपली क्लचर को यहाँ पे लगा दीजिए और बालों को अच्छे से फैला दीजिए। और ये आपका बन बन के रेडी है बहुत इजी तरीके से और छोटे बालों में काफी अच्छा और आसानी से आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया और विदाउट कोई पिन वगैरह कुछ यूज नहीं करना है, सिंपली इजी तरीके से आपका ये बन बन के रेडी हो जाएगा। एक्स्ट्रा हेयर को अच्छे से बन के अंदर इंसर्ट कर लीजिएगा और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। आज के लिए इतना ही। ये थ्री अट्रैक्टिव एंड सिंपल इजी तरीके से सेल्फ हेयर स्टाइल थे जो कि कोई भी ट्राई कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी इस तरीके की इजी और हेल्पफुल हेयर स्टाइल की वीडियोज एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियोज देखने के लिए। मैंने स्किन क्राफ्ट का सनस्क्रीन मंगाया था जो कि काफ़ी अच्छा है ड्राई स्किन के लिए, मैंने स्पेशली ड्राई स्किन करके मंगाया था फ्लिपकार्ट से। स्किन क्राफ्ट का सनस्क्रीन मैंने यूज किया है और काफी अच्छा है, अभी मैं यूज कर रही हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो आपकी भी ड्राई स्किन है कुछ सूट नहीं कर रहा तो आप यूज कर सकते हो स्किन क्राफ्ट का सनस्क्रीन, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर प्रोडक्ट बाय पे क्लिक करके आप ले सकते हो ऑनलाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।